सजी हो जो भी सपनी और दिल में छुपी हो जो भी अभिलाषाएं, ये क्रिसमस का पर्व उन्हें सच कर जाए। आपके लिए है हमारी यही शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। I guess I really don't know what Christmas is all about. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। इस मीशवानी पटेल और आप देख रहे हैं पहाड़ी श्री व्लॉग्स। तो सबसे पहले मैरी क्रिसमस आप सभी को। तो आज है क्रिसमस डे और क्रिसमस डे एक एनुअल फेस्टिवल होता है, यानी आज ईशा मसीह जी का जन्मदिन या यीशु का जन्मदिन होता है। तो आज हम पहाड़ी स्टाइल में अपने क्रिसमस डे मनाएंगे, तो आप बने रहेगा व्लॉग में। जय बजरंगबली। टॉमी नाना थे तेरे पे। और एक छोटा सा भी है भाई। ओहो क्या बात है, चले गए शायद। सो क्रिसमस की तैयारी करने से पहले हम बता दे कि पौधे लग चुके हैं, तो दिखाऊं मैं आपको जरा। धूप यहाँ भी आ रही है और जा रही है। तो सबसे पहले हमें क्रिसमस डे मनाने से पहले क्रिसमस ट्री चाहिए होगा, तो मैं कहाँ से लाऊं फूल। तो मेरे पास है गमला, दिखाती हूँ। ये है मेरा क्रिसमस ट्री। डेकोरेशन के लिए मैं हैंडमेड सब चीज़ बनाऊंगी, मैं स्वयं बनाऊंगी। और सामान चाहिए होगा इस चीज़ के लिए। और हाँ, इस ट्री को हम अपने भाषा में नहीं मतलब विद्या माता का पेड़ बोलते थे हम इसको, और एक मोर पंखी पेड़, अब पता नहीं वैसे क्या बोलते होंगे, मेरे को तो ये दो ही नाम याद है। फिर मैं पता करके बता दूँगी। अब ब्लॉग में बनी रहिएगा और देखिएगा पहाड़ी स्टाइल में क्रिसमस डे कैसे मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री बनाने के लिए मुझे मिला है सबसे बढ़िया चीज़, ये है वो जो मैंने आपको दिखाया था। और ये होता है चीड़ के पेड़ का फल, और पहाड़ी में इसको बोलेंगे मतलब पहाड़ी में इस पेड़ को हम बोलेंगे कुलेडाला बोलते हैं। और उसका फल है, इस पे होगा मस्त ब्लैक पेंट, कलर करूंगी मैं मस्त वाला और दिखाऊंगी आपको, बने रहेगा ब्लॉग में। तो पहले सामान समेटती हूँ मैं, क्या क्या है मेरे पास जो मैं खुद से बना सकती हूँ और क्रिएट कर सकती हूँ एक पहाड़ी स्टाइल वाला क्रिसमस ट्री। तो ये दो चीज़ मिल चुकी है मुझे, और अभी मम्मी के खजाने में चेक करती हूँ मैं तब्दील कर दूँगी, यानी कि चेंज कर दूँगी मैं। पहले मुझे पहननी पड़ी टोपी, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो मैं दिखाती हूँ मुझे क्या क्या मिला है। यह था, ये है छोटा, और ये है कुछ फ्लावर्स, और ये है हार्ट शेप, ये मेरा एक छोटा सा टैडी, ये प्लास्टिक का ये है, और ये एक क्या बोलते हैं इसको, पत्तल गत्ते। और इसमें रखे हुए थे पुराने गिफ्ट पेपर्स, वेट एंड ये देखिए क्या कलेक्शन है। और ये कार्डबोर्ड का मतलब जो ये गत्ता है, ये भी मुझे बहुत काम आएगा। सो मैं ये सब यूज़ करूँगी और तभी सजाया जाएगा हमारा क्रिसमस। स्टार जो सबसे बड़ा स्टार है वो मैं सबसे ऊपर लगाऊंगी, और इसको पहले मैं सोच रही थी कलर करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे इसको गिफ्ट पेपर रैप करना होगा। बने रहिए।
स्टार तैयार हो चुका है। मुझे लग गई थी भूख तो मैंने खाना खा लिया। खैर, और मैंने अब सेटअप चेंज किया है और ये सब, और ये है मेरा क्रिसमस ट्री, और अभी बनाने के लिए बहुत कुछ है। लाइट जा चुकी है, बट हमारा काम फिर भी चलेगा क्योंकि हमें मनाना है क्रिसमस। तो काम करते हैं चालू, बातें करते हैं बंद। मैंने गिफ्ट्स बना दिए हैं कुछ और स्टार्स बन चुके हैं। चुकी है पूरी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खुद से क्या क्या बनाया। देखिए, तो ये है मेरे द्वारा बनाया हुआ और ये है मेरा ट्री। अभी मैं इनको सेट करूँगी। इसमें डेकोरेट करने से पहले मुझे सबसे पहले ये सब जो मैंने मेस मचाया है इसे क्लीन करती हूँ, उसके बाद ट्री को डेकोरेट करती हूँ। तब तक के लिए सो फ्रेंड्स, अब करते हैं इसको डेकोरेट। तो मैं करती हूँ और आप देखिए मुझे। अब मैं बताऊंगी आपको कि मेरा पूरा लुक क्या है जो मैंने क्रिसमस ट्री पे कैसे सजाया है। तो अभी आपको दिखाना बाकी है, तो दिखाते हैं आफ्टर लाइटिंग कैसा लुक आ रहा है।
हैं यहीं पे। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल पहाड़ी शिरी। और बताना मुझे कि कैसा लगा आपको मेरा डेकोरेशन जो मैंने प्रिपेयर किया था। और मतलब मेरी कोशिश थी, उतना प्रॉपर तो हुआ नहीं, बट जैसा भी हुआ मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा कमेंट्स। और आप सभी को मैरी मैरी क्रिसमस।